हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यम्मी एंड बहुत ही क्रिस्पी डिश लेके आई हूँ उड़ीसी स्टाइल में, जो कि है गोभी के चिप्स। मैंने गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, उससे बॉइलिंग में अच्छा रहता है, इसलिए इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में काटा है। फिर मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच चावल का आटा मिलाया है। चावल के आटा के बाद मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया। चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर जब हम किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो उस चीज़ को बहुत अच्छा क्रिस्पी दे देता है, खाने में बहुत यम्मी लगता है। फिर मैंने इसमें अपने सॉल्ट डाली है, थोड़ी हल्दी डाली है, थोड़ा मिर्ची पाउडर डाला है और जो भी आप सब्ज़ी मसाला यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने तो MDH का मसाला, सब्ज़ी मसाला डाला है और थोड़ा सा चिकन मसाला थोड़ा टेस्ट को बहुत अच्छा लाता है। अगर आप चिकन मसाला नहीं खाते आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई नीड नहीं है। इनको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से, और मिक्स करने का एक तरीका है जो इसमें आपको दिखाऊंगी मैं। इसमें थोड़ा सा तिल भी डाला है मैंने, वाइट सफ़ेद तिल, जो खाने में और भी टेस्टी लगता है, पकौड़ों का स्वाद बना देता है। नमक मैंने स्वाद अनुसार डाला है इसमें। ये देखिए मिलाने का, पहले मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, पहले मैंने इस तरीके से उसको मिक्स किया, ना ही मैंने इसमें पानी डाला है। जितना गोभी का पानी नमक डालने के बाद छूटता है ये मिक्स होता है। देन हल्के हाथों से इसको मैंने मिक्स किया। अब जब हम इनको हल्के हाथों से मिक्स करते हैं ना तो गोभी आराम से ठीक रहता है, साबुत रहता है, टूटता नहीं। अब मुझे अगर लग रहा है, अब देखो इसमें थोड़ा सा थिकनेस आ रही है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी की नीड है, तो मैं हल्के हाथों से पानी इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के छींटा मारना है और फिर इसको मिक्स करना है। इतना डालें कि थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर और चावल काटा इसमें अच्छे से चिपक जाए। इसको ज़्यादा पानी वाला नहीं करना है, घोल को प्रॉपर सूखा सूखा रखना है ताकि जितना गोभी में अटैच रहे। मैं देख रही हूँ आप कितना अच्छे से मिक्स हो गया। अब अपनी कढ़ाई में हम तेल डाल के उसको गर्म करते हैं और उसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये कितना अच्छे तरीके से एक एक गोभी प्रॉपर निकल, प्रॉपर उसमें डल रहा है, कितना अच्छा शेप आ रहा है। और जब फ्राई में भी देखो, जब ये डल रहा है तो साथ के साथ कैसे बॉइलिंग होने का इसका टेम्परेचर पता चलता है कि पकौड़े के लिए तेल का जो गर्माहट है वो प्रॉपर है। जब तक तेल अच्छे से गर्म ना हो तब तक आप इसमें ना डालें, वरना वो ऑयली हो जाएगा पकौड़े। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया देन मैंने इसमें डाला। इसकी खुशबू यार इतनी मस्त आ रही है गाइस, आपको खाने में बहुत यम्मी लगेगा। जहाँ स्पेस हो रहा है मैं उन जगहों पे भी डाल रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारी तल कर निकल जाए। इसको ना तो ज़्यादा, जब आप पकोड़े इसमें डाल लेते हो तो जो इसकी गैस की जो फ्लेम होगी वो ज़्यादा हाई नहीं करना है, मीडियम रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई करेंगे तो ऊपर से रेड हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें बुलबुले बनना बंद नहीं हो जाता, ये तब पता चल, तब तक ये मतलब ये अंदर से कच्चे हैं। जब ये थोड़े बुलबुले इसमें इस तरीके से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, फ्राइड हो चुके हैं, और ये ट्रस्ट मी बहुत यम्मी लगेगा, क्रिस्पी लगेगा और एक डिफरेंट टेस्ट आपको देगा। इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन ब्राउनिश टाइप में। अब ये पूरे अच्छे तरीके से तल चुके हैं, देखो पहले जितने बुलबुले इसमें आ रहे थे अब कम है। ये फाइनल है, फाइनल लुक देखिए, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको मैंने